दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार 25 दिनों से जारी है। अन्नदाता राजधानी के बॉर्डर पर डेरा जमाए बैठे हैं, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है, तभी तो वो झुकने को तैयार नहीं है। केंद्र के इस रवैये की वजह से अन्नदाताओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब तो महाराष्ट्र के अन्नदाता भी दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। मोदी सरकार नए कृषि बिल पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। सुझाव पर सुझाव दिए जा रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि समस्या बढ़ती जा रही है। आज यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के नेताओं ने गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के जिलों से आ रहे अन्नदाताओं की ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया जा रहा है। अगर ये समस्या 24 घंटे में दूर नहीं की गई, तो वो हाईवे की दूसरी लेन भी बंद कर देंगे। वहीं महाराष्ट्र के अन्नदाताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। अन्नदाताओं के नेता अजित नवले का कहना है कि 21 दिसंबर को महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में अन्नदाता दिल्ली जाकर कानून का विरोध करेंगे। इसी बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे और वहां मत्था टेका, लेकिन सिंह बॉर्डर पर बैठे अन्नदाताओं को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। यहां आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं ने कहा कि पीएम मोदी अपने मन की बात करने की बजाय हमारे मन की बात सुन ले। जो कानून हमने मांगा ही नहीं है, उसे हम पर थोपा नहीं जाए। जिस तरह से सरकार में शामिल लोग हमारे आंदोलन को पंजाब का आंदोलन बताने में जुटे हैं, उस पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब के लोगों का नहीं है, बल्कि पूरे देश के अन्नदाताओं का है। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यानी साफ है कि अब दिल्ली में किसानों की दहाड़ तेज होने वाली है, जिससे मोदी सरकार हिलने वाली है। अब देखना होगा कि क्या इस आक्रोश से सरकार अपना फैसला बदलती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।